चंदन जी, सारा ने उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। और आज मौसम थोड़ा सा मतलब उड़ मुड़ सा हो रहा था, बारिश तो नहीं आ रही थी, लेकिन 2 दिन हो लिए जो बादल है धूप छाई इस प्रकार का हो रहा है मौसम। और यो देखो कितना बुरा हाल कर रखा है बेचारा ने। टाइम हो रहा था करेक्ट 8 बजे आई थी मैं प्लाट में, बाकी का सारा काम करके घर का, और अमरूद आप टड़क कपड़ जाओ एक आधा ही बच रही, फिर सारे खत्म हो लिए। कुछ तो जानवर खा जावा है तो इस करके ने, और कुछ मैं गाना दे दिया कर जो भी नीचे पड़ जाओ वे भी पड़ा पाचा ने, थोड़ा निशान सा हो जाओ इस टाइप का। और ये बाड़े के वही साफ़ सफाई है वो करूँगी। देखो इस चीज़ में भी है ना टाइम सारे लगा है, और घर लगा रही हूँ मशीन तो लास्ट गाने हवा धोनी रह रही है, फिर जाकर मैं छोड़ कर फिर चाय पानी है वो पीऊँगी। तो फिर मेरी आदत है भाई जितना भी काम मतलब जितना भी निमटा सकूँ ना तो सुबह सुबह मैं निमटा लूँ, उसके बाद अपना जो चाय पानी है वो पीऊँ मैं। और तकरीबन 9 बज गए थे आज तक, मैंने 9 सवा 9 हुए थे जब मैंने चाय पी थी आज तक। और आज तक उठी भी थोड़ी सी नू लगा लो ठीक टाइम पर थी, 6 बजे 5:45 उठी थी, लेकिन 6 बजे गई थी नीचे क्योंकि फिर जीव ने कपड़े वपड़े पुराने भई, क्योंकि यह मेरी साथ जाया करे नीचे, अकेली नहीं सोती वे, पहले तो मैं सो जाया करती, इसने सुहा दिया करती, लेकिन ये नहीं सुनती है, तो साथ उठा थे इस करके ना थोड़ी सी ठंड होने लगी ना, तो फिर मैं ना लेट उठा करूँ, 6:30 उठ लिया करूँ, और जिस दिन कपड़े धोने उस दिन थोड़ा सा 10-15 मिनट पहला उठ कर फिर कर लिया करूँ। क्यों वही बात है जल्दी काम कर, बच्चे का अगर ठंड लगी तो फिर उसमें नुकसान मेरा ही है और किसी का कुछ नहीं जाता, अपने थोड़ा सा यूँ है धूप धाप तो होती को ना, काम नहीं चलता रहे है, और फिर मेरी मार भी सूती रहे, फिर मैं इकली आंडे जाऊँ उसमें कोई मतलब उसी बात है नहीं, तो फिर मेरी मार भी सूती रहे हैं। 9 साढ़े 9 बजे रोटी राटी है, 10-11 बजे तक नहीं चलता रहे है, और दोनों माँ हैं उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, बुखार सा हो रहा है। 2-3 दिन बीच में काम के चलते जो लोग हैं वह भी नहीं आए थे, क्योंकि है ना मतलब अकेली मतलब औरत है, बच्चे ने भी संभाला है और फिर घर का काम भी करा है, 2 डांगर भी हैं, मतलब सारे दिन कितना काम हो जाए सोच सको हो, अगर भाई किसी ने पता होता 7 बंदे का मतलब जो काम है वो भी कर लें, फिर 2 बंदे अगर बीमार हो जाए हो उनका भी देखना पड़े है, बच्चा भी साथ में रहे है, तो हर चीज़ मैनेज करके चालनी पड़े है एक लेडीज़ ने, तो सब कुछ सोचना पड़े कह नाले तो भाई कह देवे हैं ये काम है कुछ काम को ना। हाँ आजकल क्या कहा हार्ड पट है काम करती है ना फलाना दकड़ा, देखो हार्ड किससे का नहीं पाटता, किससे का मतलब कुछ नहीं होता, ये वह बात है जी थोड़ी दिया जा है इंसान ने, जितना काम हो सके उतना भाई सब करें अपने घर का, ची कोई थोड़ा कर ले ची कोई घना कर ले है, बस इतना अंतर हो हर एक चीज़ का, और जिससे जितना बड़ा है वो अपने बाटे का सब काम कर रहे हैं। और एक बहू एक बेटी जितना मदद कर सके है सारा कर रहा है अपने परिवार खातर, बहुत कुछ कर रहा है, और बहू खासकर न्यू जा है अकबर, यहाँ काम है करना जरूरी है, लोग के कहेंगे समाज के कहेंगे इस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ अपना काम होना चाहिए भाई, क्यों करो लो चाहिए है ना, और थाली बैठेंगे तो भी लोग ने कहेंगे हाँ कुछ नहीं करते, करेंगे तो भी ना कहेंगे हाँ फलानी चीज़ करे दकड़े करे, तो फिर लोगों का काम है बोलने का, बोलते रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2-3 दिन ये हो चीज़ लिए। है ना मतलब किसी ने बता भी नहीं सकते क्यों कोई नु के वगा भाई हाँ काम तो सब कर रहे हैं, तू किनारा कर रहे हैं सब कर रहे हैं सब कर रहे हैं, मतलब तो एक छोटी सी जो सोच है अगर ना उस टाइप का सारा सौदा हो रहा है आज के टाइम में, तो ये चीज़ बोलना ना बोलना मतलब एक बराबर है, किसने बोल भी नहीं सकते कि हाँ मेरे यहाँ दिक्कत है या नहीं है, हालांकि जो कर पैर है जो मेरा 16 पैर है ना उसमें पता नहीं जाडे आवा जबकि दिक्कत हो जाओ है उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाओ, मतलब अगर थाली बैठी रहो ना तो उसमें ज़्यादा पेन हुआ है बहुत तकलीफ़ हुआ है उसमें, और काम करती रहूँ दिन में तो बेरा ना पटे, लेकिन जब थोड़ी सी लौटू ना आराम से मिले तो उस टाइम पर बहुत तकलीफ़ हुआ है, और मेरा काम सपड़ा करने लगा लो, मान लो मैं 6 बजे भी अगर लागू हूँ काम करने ताई तो मुश्किल तो 10-15 मिनट में चाय पानी पीने बैठा करूँ, हाँ वो तो तसल्ली तो बैठ कर भी पी लेवा हमें, लेकिन उसके बाद मेरा कंटिन्यू रहा करो, फिर मैं आया करूँ ऊपर आया करूँ मैं 11:30-12 बजे नहाने खातर आया करूँ, फिर पहले मैं नहाऊँ फिर जीवन है उसने नहाऊँ मैं, फिर अगर ऊपर के कपड़े धोने हों भाई
मेरे और जैन से कि भाई मैं अलग धोया करूँ, आते ही धोया करूँ, मशीन में मैं नहीं धोया करूँ। अगर वह धोने हो तो फिर वह धो, फिर मुश्किल तो भाई वह 1-1.5 बज जा है, काम सपड़ा है। अरे इसने देखो ही रोंदी आ है, क्योंकि इसके दादा ने इसके मारे माटी खाओ थी इसने ना, मतलब इतनी गंदी आदत हो रही है, 3-4 दिन तो इतनी मिट्टी खावे है, बहुत ज़्यादा मिट्टी खावे है, पता नहीं क्या हो रहा है। काम करो करो, खाड़ करो बाड़ा की, और बच्चा है जिद तो कर रहे हैं। मारा क्या? मारे दो मारे, क्या किया था, क्या किया था जीव ने? बस इसने मत कुछ, चल करने चल चल। उसके बाद आ गई थी मैं घर, और इतने छोड़ूंगी जो कपड़े हैं वे, क्योंकि फिर लगातार अगर काम होते गया है ना, मतलब एक बैठ के फिर आल कस आ जाओ है, तो फिर मकाई तो कंटिन्यू काम चलता ही रहेगा। और फटाफट इतने में छोड़ कर और टंकी को ऊपर गिर दूंगी, ताकि फिर जर जाओगे ये, और जरा पाछा फिर इन्हें चाय पानी पी के और फिर मशीन में सुखा के और फिर इन्हें गिर दूंगी। आज रोटी भी मैंने लगा लो 10 बजे लगी थी मैं बनाने, और 10:30 का टाइम हो गया था, मैंने बनाते बनाते आध घंटा तो भी लग गए है। देखो 7 बंदे की रोटी बनाने में, वो भी चूल्हे पे। आज बाल छुट रही थी कसूती, तो हवा चल थी, तो इस मारे जो चूल्हे पर भी असर पड़ा था, मतलब बुझ जावा था थोड़ा सा, तो वह थोड़ा सा कम गर्म हुआ था। बार बार आग जलानी पड़ी थी ना, तो फिर एक बार आग जल गई ना, तो इतनी सड़ासड़ भाई रोटी पुए हैं कतीनों, मजा आ रोटी पुनती है ना चूल्हे पर। तेनू सोचा अगर भैया का, हाँ मतलब टाइम इतना हो गया, 10 बज गए 11 बज गए, तो चलो भाई गैस पे सेक लवें, तो नहीं मेरी आदत ना है अपना जो काम भाई जित करना है ना वो तो करना है, लेकिन कतिए वो हो गया ना भैया तो हाँ संग कोने, या 1-2 बंदे की रोटी सेकनी है तो मैं गैस पे सेक लिया करूँ, फिर उसमें मैं उस हरकत सी ना माना करूँ, अपने सेक लिया करूँ। लेकिन जब ज़्यादा की बात आवे, 5-7 आदमियों की बात आवे, तो फिर मैं अपने चूल्हे पे बना लिया करूँ, जो कितनी बार हो रही हो। हाँ कतिए नहीं हो ना भाई, कितना आना जाना है, तो फिर फटाफट गैस पे सेक लिया करूँ मैं, तभी ना अड़के आते निचोड़ निचोड़ कर फिर घेर दूंगी इसमें, और उसके बाद फिर सुखा दूंगी इन टंकी पे। और ये कोट काठे हैं भारे हैं, तो इन्हें तो मैं पानी में काट कर नहीं घेर दिया करूँ, जो कोट है ना गेट के ऊपर टांग दिया करूँ मैं, जो घर पानी में कका डे, और ज़्यादा से ना निचोड़ा करूँ क्योंकि भैया का 3 निचोड़े, क्योंकि ये बाहर है वो है ना पानी पी जाओ है ये, तो फिर मैं है ना मतलब रेस्ट पे छोड़ दिया करूँ ने, देखो न्यू काट पानी और इसको ऊपर लटका दिया, अपने आप सारा जो पानी है ना नीचे जर जाओ, क्योंकि बात वह बात है निचोड़ने हैं कोने उसमें जो मशीन है उसमें, तो टंकी पर न्यू घेर दिया करूँ मैं इन्हें अच्छे तरीके से, अपना आप जर जावा फिर उन्हें बाद में सुखा दिया करो, जो हल्के फुलके कपड़े उन्हें तो मैं अच्छे तरीके से निचोड़ कर फिर रख लिया करो, और बाकी जो बाहर वगैरह उन्हें सुखा दिया करो टंकी पे। और ये देखो जो आ रहा है साग, जिसने बोले हैं कि क्या अगर मतलब इन्हें चने बोले अगर है, सागे बोले हैं और कितने तो बोले हैं भाई वो, लेकिन चने में आकर मतलब ये जो इनके ऊपर क्या इन्हें साग बोले आकर, तो इनकी चटनी बनाऊंगी आज, बहुत टेस्टी लगा है, मतलब इनकी चटनी गरम रोटी और फिर घी के साथ बहुत स्वाद लगा है, तो इनकी चटनी बनाकर फिर रोटी पानी करके। और ये देखो ऊपर आ गई थी मैं, अपना जो नहाना धोना था वो हो गया था, तो फिर यू मतलब पड़ा ही था यूँ, वैसे तो मतलब जीव ने पैर का देख लिया था, लेकिन है ना इसकी जो ये यहाँ पे है ना, ये देखो सिलाई लगाई थी तो ये गुड़ जट सी पड़ गई थी, तो फिर हाथ तक करूँगी बैठ कर ना, इसका भी बहुत टेढ़ा काम है, बहुत दिन तो हो रहा था मेरा दामन सीम दे दामन सीम दे, तो फिर मैं कपाल कहीं पर थोड़ा सा न्यू बुढ़ान खतर मका बना दिया मैंने, और यह देखो रात नहीं गाड़ दिया था, भले मैं पैर कर देखूंगी कितनी सुथरी लगा, मतलब देखो बहुत सुथरी लग रही है, चुन्नी मेरे पास थी रखी थी, कुर्ता इसका चमवा लूंगी, तो आज का लोग इतना ही, उम्मीद पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।